देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लोकेशन खरगोन, मध्य प्रदेश, जगत न्यूज 24, संवाददाता शैलेंद्र सेन। सरपंच, सचिव, मंत्री नहीं कर रहे काम। खरगोन कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा ग्राम पंचायत रेटवा में उमाबाई पति भगवान सिंह। बर्थडे का निधन दिनांक 16 मई 2023 को हो गया था। मृतक भगवान सिंह बर्थडे के द्वारा सभी डॉक्यूमेंट ग्राम पंचायत रेटवा में जमा कर दिए गए थे। जनपद पंचायत गोगाव में संबल योजना की जानकारी ली तो पता चला कि कोई डॉक्यूमेंट ग्राम पंचायत रेटवा द्वारा मंत्री एवं सचिव ने जमा नहीं किए हैं। इस कारण विधवा उमाबाई पति स्वर्गीय भगवान सिंह बर्डे संबल योजना के लाभ से वंचित है। राजेश बर्डे राष्ट्रीय सचिव ने गंभीर आरोप पंचायत मंत्री किशोर यादव पर लगाए गए हैं। मंत्री की बड़ी लापरवाही है। संवाददाता शैलेंद्र सेन, मोबाइल नंबर 8989210098। हम सभी साथियों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। किस विषय में? ग्राम पंचायत रेटवा के मंत्री द्वारा जो संबल योजना में गरीब लोगों को जो मिलना था संबल योजना की राशि, जो वो मंत्री नहीं दिला पा रहा है। अभी ऐसा किशोर यादव मंत्री के द्वारा जो फाइलें जमा करनी थी वो अभी तक जमा नहीं करे। 8-8 महीने तक वो दौड़ा रहा है इधर उधर, और वही आदिवासियों को इस संबल योजना के लाभ से वंचित कर रहा है। अभी तक लगभग किशोर यादव मंत्री ने 6 फाइलें जनपद पंचायत में जमा नहीं करी, जबकि उसे जमा कर देना था, तो अभी तक वो फाइल जमा नहीं करे। और ऐसे संबल योजना के लाभ से आदिवासियों को इस योजना से वंचित कर रहा है, इस योजना से दूर रखने का काम कर रहा है ग्राम पंचायत के मंत्री किशोर यादव के द्वारा। और क्या क्या भ्रष्टाचारी चल रही पंचायत में? भ्रष्टाचारी तो किशोर यादव मंत्री के द्वारा बोल नहीं सकते, लेकिन हो सकता वो समय पे नहीं आता और कुछ आगे कर रहा हो। पर जो जिस तरह से हम लोगों ने हमें जहाँ तक ज्ञात है कि किशोर यादव मंत्री अभी संबल योजना की जो फाइलें जमा नहीं करे जी, वो फाइल हमें जल्द से जल्द वो जमा करे, और जो पीड़ित परिवार है उन्हें जल्द से जल्द उनके सहयोग राशि संबल योजना की डलनी चाहिए। आज के ज्ञापन में यही हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से मांग करी है।